क्योंकि बीजेपी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बातों का मान्य किया, सम्मान दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस वर्ग को, उस ट्रांसजेंडर समाज को, उस किन्नर समाज को के लिए अभी आगे हम कार्य करेंगे और उन्हें ई श्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आप और हम सब जानते हैं इस बात को। हमारी देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूंगे कि कुछ नहीं किया, क्योंकि किन्नर कल्याण बोर्ड का यूपी के लिए गठन जरूर किया, मगर हमारी मांग जो थी वो एक ही था कि भाई किन्नर समाज को अपना लोकसभा सीट, राज्यसभा या विधानसभा में जो अपने समाज का नेतृत्व कर सके, ये हमारी मांग थी। और बीजेपी सरकार ने कहा कि ये इलेक्शन जब ख़त्म होगा उसके बाद उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करेंगे हम, और जितना संभव हो सकेगा उतना संभव किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की पूर्ण पूर्ण हमारा प्रयास रहेगा। अब वो तो देखिए हाई कमांड की बात है, मगर मैं पूरी तरह आश्वासित हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ड्स पे और वाराणसी के बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, मुझे उनकी बात पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं किन्नर समाज से आती हूँ और जो हमें एक वचन दे देते हैं हम उन वचन के लिए, मैंने वाराणसी लोकसभा चुनाव का महात्याग किया है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं। अच्छा जी, आज किसका ज्वाइनिंग हुआ, कितने प्रतिशत ग्रहण? भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। हम हैं मोदी का परिवार, ऐसा विषय पूरे देश में फैलता जा रहा है, लोग मोदी के परिवार के सदस्य बनते जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि कई ऐसे लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था मोदी के परिवार में सम्मिलित होने के लिए, दूसरे दलों को छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन कर लिया। इस क्रम में लगातार पूरे देश में और साथ ही साथ मोदी जी के इस संसदीय क्षेत्र में भारी संख्या में लोग दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जो किन्नर समाज की महामंडलेश्वर है और पूरे विश्व में किन्नर समाज की पहली प्रथम महामंडलेश्वर ही मांगी सखी जी, जिन्होंने बनारस लोकसभा में चुनाव लड़ने का इच्छा भी जाहिर किया था, लेकिन उन्होंने देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और बनारस हित में यह निर्णय लिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और देश के हित चिंतक भी हैं और जिन्होंने बनारस का विकास किया है, बनारस का कायाकल्प किया है, उनके समर्थन में उन्होंने नामांकन नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बन गए। हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनके साथ हम सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, हिमांगी सखी को ज्वाइन कराने में कोई शर्त नहीं है। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए इस देश में सभी साधु संत महात्मा और ऐसे तमाम लोग लगे हुए हैं कि हमारा सनातन धर्म पुनः मजबूत हो, जिससे हमारा देश पुनः विश्वगुरु बने। हिमांगी सखी के मन में भी सनातन धर्म के प्रति स्नेह और प्रेम है और वो देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी सनातन धर्म को पुनर्जीवित करेगी, कौन सी पार्टी राष्ट्र को मजबूत करेगी, कौन सी पार्टी देश में विकास करेगी। इसी को देखकर हिमांगी सखी ने स्वयं से प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं आप सभी के माध्यम से हिमांगी सखी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने सभी साथियों सहित जहाँ भी हों, जिस उद्देश्य को लेकर आई हैं उसको पूर्ति के लिए प्रयास करें।